सत्यम न्यूज आप सभी से अपील करता है कि 7 मार्च को होने वाले चुनाव में मतदान अवश्य करें। अगर आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो घरों से निकले और मतदान करें। आइए अब रुख करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की ओर। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असद ओवैसी बुधवार को चुनावी सभा के लिए भदोही शहर के भिखारीपुर मैदान पहुंचे थे। कार्यक्रम के तय समय से काफी लेट पहुंचे असद ओवैसी के निशाने पर भाजपा के साथ सपा भी रही। लगभग 20 मिनट के भाषण में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असद ओवैसी के निशाने पर जहां भाजपा सपा रही तो वहीं भदोही के 400 साल पुराने कालीन का इतिहास भी बताया है। साथ ही CA NRC के दौरान जेल गए भदोही के युवकों का मुद्दा भी मंच से उठाया। सूत्रों की माने तो भीड़ न जुट पाने की वजह से ओवैसी कार्यक्रम में काफी लेट पहुंचे। कार्यक्रम से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भदोही विधानसभा के प्रत्याशी का विरोध दर्ज करा रहे थे। उधर जब इसकी जानकारी पार्टी के प्रत्याशी रवि शंकर जायसवाल को हुई तो पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को उन्होंने जाहिल बताया। वो ये जाहिल इंसान है। भदोही शहर के भिखारीपुर मैदान में आयोजित असद ओवैसी के चुनावी सभा में पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ता पहुंचे थे। आरोप है कि जैसे ही मंच पर यह मुस्लिम कार्यकर्ता जाने की कोशिश करने लगे तभी भदोही विधानसभा के प्रत्याशी रवि शंकर जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को धक्का मारकर उतरवा दिया। बस क्या था, मुस्लिम कार्यकर्ता शमीम अंसारी के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर गए। लोग जमीन पर बैठ गए। आरोप लगाया कि प्रत्याशी ने मुस्लिम कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करते हुए उनका अपमान किया है। विरोध दर्ज कराने वालों में रोजन, तुफैल, महताब, नवाज आदि मौजूद रहे। चौड़ी थाना इलाके के नरबतपुर गांव में शोभा सरोज के मकान का ताला तोड़कर हौसला बुलंद चोरों ने 8000 नगद सहित घर में रखे सोने चांदी के आभूषण उठा ले गए। चोरी की वारदात से गांव में सनसनी फैली हुई है। सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 पुलिस घटना स्थल की जांच पड़ताल कर लौट गई। बताया जाता है कि शोभा सरोज का परिवार एक कमरे में सोया हुआ था। दूसरे कमरे का ताला तोड़कर चोर आराम से घर में घुसे और एक एक सामान को आराम से खंगालते हुए नकदी सहित जेवर पर हाथ साफ कर दिया। घर से थोड़ी दूर पर सरसों के खेत में टूटा हुआ बक्सा बरामद हुआ है। चोरी की वारदात से गांव में दहशत का माहौल है। बुधवार को भदोही जिले में चुनावी सभाओं का दिन था। सपा प्रत्याशी जाहिद बेग के समर्थन में पार्टी के स्टार प्रचारक सूर्यावा के खड़गपुर में पहुंचे थे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान व केशव देव मौर्य ने चुनावी सभा को संबोधित किया और सपा प्रत्याशी जाहिद बेग के लिए वोट मांगा। सपा स्टार प्रचारकों का सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव, सपा प्रत्याशी जाहिद बेग, संतोष राजभर, हृदय नारायण प्रजापति, हसनैन अंसारी, टोनी मंसूरी सहित तमाम लोगों ने स्वागत किया। खड़गपुर मैदान सपा के साथ आए गठबंधन दलों के झंडों से पटा रहा। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। उधर स्टार प्रचारकों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दुर्गागंज बाजार के समीप तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक कुत्ता आ जाने से बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर गया और इस हादसे में ज्ञानपुर के महथुआ निवासी बाइक सवार सनी बनवासी व राजू बनवासी घायल हुए हैं। बाइक सवार दुर्गागंज से ज्ञानपुर की तरफ जा रहे थे। दुर्गागंज बाजार के समीप यह हादसा हुआ है। दोनों घायलों का एक निजी नर्सिंग होम में इलाज कराया गया। सूचना पर घायलों के परिजन भी दुर्गागंज बाजार पहुंच गए। चौरी वाराणसी मार्ग के चौरी थाना अंतर्गत लच्छापुर में एक बेकाबू कार सड़क किनारे खड़ी यात्रियों से भरी बोलेरो में टक्कर मार दी है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद बोलेरो सामने खड़ी दो बाइकों को भी टक्कर मारते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया है। बताया जाता है कि जौनपुर के सिमुही रामपुर निवासी मोहम्मद हारून लच्छापुर स्थित एक बाइक एजेंसी के सामने बोलेरो खड़ी कर एजेंसी के अंदर गए हुए थे। बोलेरो में उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। बोलेरो में बैठा हारून का 15 वर्षीय सोयब नाम का पुत्र घायल हुआ। साथ ही बोलेरो की चपेट में आने से अनिल व अनुराग की बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। कार वाराणसी से भदोही की तरफ जा रही थी। सुनील कुमार नामक व्यक्ति कार चला रहा था। सूचना पर पहुंची चौरी पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाकर कार्रवाई में जुट गई।
भाजपा से औराई सीट से प्रत्याशी दीनानाथ भास्कर के लिए वोट मांगने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपने दोस्त दीनानाथ भास्कर के लिए वोट मांगने आया हूं, जिता कर भेजिए, कर्ज उतार दूंगा। बुधवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य औराई के जीटी रोड स्थित दसवीं के बारी में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, कल्लू शुक्ला, श्यामलाल चौहान, अंकित दुबे आदि ने माल्यार्पण कर डिप्टी सीएम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार 21,000 वोटों से भास्कर को चुनाव जिताया था, इस बार 42,000 पार कर चुनाव जिताइए, बदले में कर्ज उतार दूं। अपने 15 मिनट 45 सेकंड के भाषण में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर भी निशाना साधा। मंच से डिप्टी सीएम ने भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक सहित तमाम लोगों का नाम लिया था। युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे गोपीगंज के 3 छात्रों में से एक छात्र मकबूल अहमद का पुत्र शाह फैसल अपने वतन लौट आया है। सकुशल शाह फैसल के वतन लौटने पर जहां लोगों ने राहत की सांस ली, तो वहीं अब भी गोपीगंज के 2 छात्रों के फंसे होने पर परिजनों सहित इलाके वासी चिंतित हैं और इन दोनों छात्रों के सकुशल वतन लौटने की लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोपीगंज के लाई बाजार निवासी शाह फैसल रोमानिया के रास्ते अपने वतन लौट आए, लेकिन अभी भी चुड़ियारी मोहाल निवासी राजबली का पुत्र चित्रांश गुप्ता व शाह फैसल का चचेरा भाई मुजैफ हुसैन रोमानिया में फंसे हुए हैं। यह दोनों छात्र हंगरी के रास्ते भारत लौटने के प्रयास में लगे हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व एमएलसी रहे बाबू पारसनाथ मौर्य की पुण्यतिथि गरीब दिवस के रूप में मनाई गई। गोपीगंज के किशनदेवपुर में स्थित बाबू पारसनाथ मौर्य के स्मारक पर जुटे लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, जहां वक्ताओं ने कहा कि बाबू पारसनाथ आखिरी सांस तक मजलूम, गरीब, शोषित, वंचित समाज के हक की लड़ाई लड़ते रहे। इस मौके पर श्यामलाल पाल, जटाशंकर यादव आदि मौजूद रहे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अब सामाजिक संगठन भी आगे आ गया है। जंगीगंज के प्रयागदासपुर में युवा क्रांति संगठन द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। हाथों में तख्ती बैनर लिए हुए छात्र छात्राएं मतदान को लेकर लोगों को जागरूक करते देखे गए। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष कोतवाल सिंह सहित कमलेश, सलीम, सौरभ, मनोज पांडे आदि मौजूद रहे। इसी तरह वीर एकलव्य एजुकेशन समिति द्वारा गोपीगंज में भी मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई थी। जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ गोपीगंज रामलीला मैदान से शुरू किया गया था। इस मौके पर विजय कुमार बिंद, गोपाल बिंद, अमरनाथ, गुलाब शंकर आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के राजनीतिक पार्टी सशक्त समाजवादी पार्टी ने सपा प्रत्याशी जाहिद बेग को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कहा कि पार्टी के लोग सपा प्रत्याशी जाहिद बेग के लिए घूम घूम कर वोट मांगेंगे। बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने नागमलपुर पाली राष्ट्रीय कार्यालय पर बैठक करते हुए यह निर्णय लिया है और समर्थन का एक प्रेस नोट जारी किया है। उधर राष्ट्रीय कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के जनसंपर्क यात्रा के राष्ट्रीय दलजीत सिंह कथुरिया नागमलपुर पहुंचे थे। इस मौके पर महेंद्र कुमार गौंड, जटाशंकर, रामचरण यादव, भगवती प्रसाद आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो खबरों को शेयर करने के साथ कमेंट व लाइक जरूर करें। साथ ही अपने आसपास की खबरों को सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर जरूर बताएं। आइए जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।